ये हमने तीन नंबर्स का हमने इसका देखा, अब हम फोन नंबर का देखेंगे। ये 20 नंबर है इसका, ट्वेंटी फोर फिफ्टी सिक्स 24 56। और इसका हमें क्या लेना है बेटा? उसके लेना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे डिजिट एक होगा तो केवल उसका ए उसके रहेगा, यदि दो होंगे डिजिट तो उसका टू इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, और थ्री होंगी तो टू इंटू ए सी प्लस बी का उसको, और यदि फोर होंगी तो टू इंटू ए डी प्लस टू इंटू बी सी। इस तरीके से तो चल रहे हैं हम, इसके पहले ग्रुप बनाए थे, सेवन ग्रुप बनेंगे इसके, टू टू फोर टू फोर फाइव टू फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स और सिक्स। बेटा इसके कितने ग्रुप बन गए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन ग्रुप बन गए। तो बेटा यहाँ पर केवल एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट के लिए क्या करेंगे? केवल इसका उसके, तो टू का उसके और एक, बेटा दो जाएंगे तो टू इंटू ए भी, तो टू इंटू टू इंटू फोर, और थ्री आ जाएगा तो क्या करेंगे? टू इंटू ए सी प्लस बी का उसके, तो चल रहे अपन टू इंटू टू इंटू फाइव प्लस फोर का उसके, ये थर्ड नंबर का हो गया। अब फोर्थ पे चलते हैं, यदि फोर्थ आ जाए तो क्या होगा बेटा? टू इंटू ए डी और प्लस टू इंटू बी सी, तो टू इंटू टू इंटू सिक्स प्लस टू फोर इंटू फाइव। थर्ड नंबर पे आ जाए तो विजोट के आ जाएंगे अपन, टू इंटू फोर इंटू सिक्स प्लस बी का स्क्वायर ऑब्लिक दो आ जाएगा, तो वो टू इंटू फाइव इंटू सिक्स लास्ट में आ जाएगा उसका सिक्स का स्क्वायर। थैंक यू, बड़ा हो जाएगा बेटा इसे। इसे बेटा आप सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करो आगे, फिर मैं आगे से। चलो और मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता देता हूँ, फिर आप आगे करते हैं। टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा बेटा, एट एट टू या सिक्सटीन, टेन ट्वेंटी और सिक्सटीन थर्टी सिक्स, ट्वेल्व ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टीन, ट्वेंटी फोर फोर्टी एट प्लस ट्वेंटी फाइव इसका थर्टी, और ये सिक्सटी और ये थर्टी, फोर सिक्सटीन थर्टी सिक्स सिक्सटी फोर थर्टीन सेवन सेवेंटी थ्री और सिक्सटी और थर्टी सिक्स। इसको आगे सॉल्व कर लो आप और नोट कर लो बेटा, किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है केस में? बेटा सोहेल सोहेल ये द्वंद्व योग समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो इसे।
घटाऊं से आंसर मैच कर देना आपके पास ये कई बच्चों की में ये एक्स आई नहीं दे रखी है क्या सबके में एक्स आई है क्या ये बेटा सबके में एक्स आई है या नहीं है ये अब तक तो मिस्टर कर रहे थे अब हम करेंगे क्यू क्या करेंगे बेटा क्यू तो बेटा क्यू निकालते हैं जैसे मान लेते हैं हम किसी भी संख्या का क्यू निकालना है तो इसका फॉर्मूला जाने पहले सबसे पहले जैसे मान लेते हैं किसी में सबबेस नहीं है यानी एक तो एक में तो सबबेस आता है और एक में सबबेस नहीं आता है जैसे सबबेस नहीं है तो हम क्या करेंगे उसका फॉर्मूला क्या बनेगा नंबर प्लस टू इंटू डेविस ऑब्लिक थ्री इंटू डेविसन का उसके और डेविसन का ओके ये हमारा फॉर्मूला है कब जब उसमें सबबेस नहीं होगा और यदि सबबेस आता है तो यहाँ पे आगे के लग जाएगा बेटा सबबेस तो पहले बगैर सबबेस का हम करेंगे तो इसे नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं पहले हम नंबर का कर रहे हैं देखो ये फॉर्मूला नोट कर लिया सभी ने बेटा ये बेटा फॉर्मूला नोट कर लिया कि सभी ने ये ठीक है ठीक है ठीक है अगला है हमारा फाइंड क्यूब यूजिंग सूत्र निकले देखो पहले आया हमारा 14 का हमें क्यों करना है तो देखो बेटा इसमें हम बेस मानेंगे कितना मानेंगे 10 और सब बेस कितना हो जाएगा तो सबबेस तो आएगा ही नहीं इसमें डेविसन और डेविसन कैसे निकालते हैं बेटा नंबर माइनस बेस तो नंबर हमारा कितना है बेटा 14 में से बेस 10 गया तो कितना बचेगा डेविसन तो हमारा डेविसन निकल के आ जाएगा अब हम इसका क्यूब निकालने चलते हैं तो देखो मैंने भी आपको बताया था कि जब हम किसी नंबर का क्यूब निकालना है तो फॉर्मूला बनता है नंबर प्लस टू इंटू डेविसन ऑब्लिक थ्री इंटू डेविसन का स्क्वायर ऑब्लिक डेविसन का क्यूब चलते बेटा यहाँ पर नंबर हमारा कितना है 14 प्लस टू डेविसन कितना है बेटा हमारा 4 ऑब्लिक 3 इंटू डेविसन का स्क्वायर डेविसन कितना है 4 का स्क्वायर ऑब्लिक और डेविसन का क्यूब तो 14 प्लस 8 3 इंटू 4 का 16 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा बेटा 16 22 और 48 और 64 अब देखो हमारी बेस में केवल एक ही जीरो है तो हम
केवल एक ही नंबर से इधर रख पाएंगे, बाकी की संख्याओं को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो वही पुराना प्रोसेस 48 वही 6 किधर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 54, इस 5 को इधर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 27, 4 और 4 तो हमारा आंसर कितना हो गया 27 4। नोट करें इसे। जल्दी नोट कर वैसे फिर हम आगे चलते हैं। किसी को तो पूछ सकता है वो? नहीं है कोई प्रॉब्लम? यस सर, मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका आंसर 2744। अब बेटा एक सबमिट वाला करते हैं अपन, देखो इसमें आया है 27 है और 395, तो 23 कर देते हैं। 27 हमें क्यों लेना है? तो देखो हम इसमें बेस क्या मानेंगे बेटा, 10 मानेंगे और सब बेस क्या मान देंगे इसमें बताओ, 2 मानो या 3 मानो बताओ, क्योंकि इसमें 2 मान के कर सकते हैं 3 मान के कर सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं, अपन 2 मान लेते हैं, तो फिर इसका डेविएशन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि डेविएशन मैंने क्या आपको बताया था, नंबर माइनस बेस 3। ठीक है, 3 वो कर देंगे इसे, नहीं करते मोटा, ये करेंगे 395 वाला, 395। और इसका हमें क्या लेना है बेटा, क्यू लेना है, तो इसमें हम बेस क्या मानेंगे बेटा, 100 मानेंगे और सब बेस क्या माने, 4 मान लें इसका सब बेस, क्योंकि ये 400 के आसपास की हैं और डेविएशन क्या हो जाएगा इसका बेटा, नंबर माइनस बेस, तो नंबर कितना है हमारा 395 माइनस 400, तो कितना आएगा माइनस की 5 आएगा डेविएशन, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा इसका कि सब बेस का स्क्वायर कोष्टक में नंबर प्लस कोष्टक में 2 इंटू डेविएशन और 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर और डेविएशन का, केवल फर्क क्या आया यहाँ पर बेटा, यहाँ पर सब बेस का उसके लगाना पड़ेगा। चलते हैं अपन, सब बेस यानी माइनस 5 का उसके नंबर कितना है, 395 प्लस 2 इंटू डेविएशन कितना है माइनस की 5 और 3 इंटू डेविएशन कितना है माइनस 5 का उसके और डेविएशन का क्यू माइनस 5 का। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हैं? और सॉरी सॉरी, हाँ, फोर होना सही है, क्योंकि ये माइनस 5 तो क्या है बेटा, डेविएशन है, क्या है बेटा वो मैंने किस माइनस 4 सब बेस तो पूरी है ना, माइनस 4 आएगा। हाँ, समझ गया मैं, वो मेरा इस पे ध्यान चला गया, किस पे, डेविएशन पर।
तो सब बेस तो बेटा 4 आएगा, ठीक है। और नंबर प्लस 2 इनटू डिवीजन कितना है बेटा, माइनस के 5 है। और अब यहां अब कोई प्रॉब्लम बेटा कहीं? तो बेटा अब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, कोष्टक 1 395। देखो माइनस के क्या हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएंगे, क्योंकि 2 माइनस के 10 हो जाएंगे। अब बेटा किसी भी संख्या का जब हम उत्तर करते हैं, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आंसर किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव ही आएगा। तो 25 भी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और ये जरूर, क्योंकि इस पे क्या है, ओड नंबर है। कैसा बेटा, ओड नंबर, तो इसका आंसर तो माइनस में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो -5 × -5 × -5 करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, ये माइनस माइनस तो प्लस 2 की 25 हो जाएंगे, इनटू माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो द्वारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर माइनस में ही आएगा। सॉल्व करते हैं, 16 × 395 में से 10 गया तो कितना बचेगा बेटा, 385। ब्लैकबोर्ड के नीचे का नहीं दिख रहा, एक मिनट, ठीक है ऊपर लिख देता हूँ। बताइए 16 मल्टीप्लाई 395 में से 10 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 385 ऑब्लिक 75 और 120। अब देखो इसका हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, हाँ। तो बेटा हम 385 × 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आएगा बेटा, एक बार कोशिश करो आप, 385 × 16। तो बेटा इतना आएगा 6160। देख रहे हैं मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा क्या, 385 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो कितना आएगा, 6160। अब देखो एक चीज और कि यहाँ पर ये क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने से पहले हम क्या करेंगे, ये और 200 में से घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, तो डायरेक्ट इसमें से कितना कम कर दो, 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा ये 73, और 200 में से इसको घटा देंगे, कंडीशन क्या बनेगा, 73 75। अब देखो बेस में हमारे में 2 जीरो है, तो टू नंबर आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मैच करवा सर अपना। एक मिनट में देखता हूँ, ये 24 क्या 100 में से सही है, सब बेस मैंने लगाया नहीं इसमें बेटा, ये गलती हो गई, यहाँ पे क्या आएगा, सब बेस इनटू 3 और डेविशन का स्क्वायर ये आएगा, क्यों, हाँ ये सब बेस लगेगा बेटा, फॉर्मूला इसमें गलत हो गया मुझे, तो इसे द्वारा ये सब बेस लगा के करवाओ, सब बेस इनटू 3
यहाँ पे सब बेस लगाना भूल गया मैं, अब आ जाएगा। फॉर्मूला द्वारा लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लगेगा सब बेस का उसके नंबर प्लस टू इनटू डेविएशन, और यहाँ पे लगेगा सब बेस और थ्री इनटू डेविएशन, और डेविएशन का थर्ड पार्ट में आएगा डेविएशन का ये लगेगा। तो सब बेस फोर का स्क्वायर मल्टीप्लाई नंबर कितना है हमारा 395 प्लस 2 इनटू डेविएशन कितना है बेटा हमारा माइनस 35 ऑब्लिक सब बेस कितना है हमारा 4 3 इनटू डेविएशन कितना है माइनस 35 और डेविएशन माइनस 5 का पूरा 16 इनटू 395 माइनस 10 4 into 3 into division का उसके आएगा ना यहाँ पर 3 into division सब बेस into 3 division का उसके तो 4 3 into 25 अभी हमने 385 इनटू 16 किया तो कितना आया था 385 इनटू 16 किया तो कितना आया बेटा कुछ ऐसा आया था 66160 आया था और 75 इनटू इतना करेंगे कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा ये माइनस के 125 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास बेस कितना बेटा 100 इसमें 2 जीरो है तो इस नंबर को हम आगे चलाएंगे कितना हो जाएगा ये पहले हम इसको करते हैं 6160 बेटा इसमें से क्या हम 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 298 इसमें से हम 200 तो 6160 और 298 75 बचेगा और इस 2 को हम इधर कर देंगे तो कितना आएगा 61 पहले हम उसको करेंगे 98 है इसको इधर करेंगे 61 62 98 7 कितना आंसर आ रहा था इसका 6031 आ रहा है इसका 6131 कैसे आए इस सवाल को अभी आप मल्टीप्लाई करके देखना ठीक है सही है तो इसमें तो ये दे रखा है इसका आंसर ये आया 6162 9875 ये आ रहा है यही आ रहा है क्या बेटे ठीक है तो नोट कर लो इसे तो इसमें गलत दे रखा है नोट करो इसे जल्दी से
नोट करो और आगे की क्लास आपकी इंग्लिश की रहेगी।